दोस्तों आज अपन बात करेंगे राजस्थान की जो पशु गणना हुई थी कौन सी डिजिटल पशु गणना थी, किस पशु गणना में और अगली वाली जो पशु गणना हुई थी जैसे 19 और 20 की जो पशु गणना हुई थी उन आंकड़ों में क्या अंतर रहा था, वृद्धि हुई थी या कमी हुई थी, राजस्थान में सबसे ज़्यादा पशु कौन सा पाया जाता है, भारत में कौन सा पाया जाता है, उन सब के बारे में अपन शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात है पशुपालन के अपन महत्वपूर्ण आंकड़े पढ़ रहे हैं। तो देखो अपने गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट और मुर्गी ये 6 ही पालतू पशु जो मुख्यतः प्रयोग किए जाते हैं, जैसे गाय भैंस है भेड़ है बकरी है ऊंट है और मुर्गी, इनको ही पालने के लिए प्रयोग है। ऐसे अलग आएंगे जैसे गधा आएगा घोड़ा आएगा सुअर आएगा, लेकिन अपन से ज्यादा उनके आंकड़े पूछे नहीं जाते। अपन से अगर आंकड़े पूछे जाते तो गाय के भैंस के भेड़ के बकरी के ऊंट के और मुर्गी के। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन, देखो जानवरों को 6000 साल पहले से पाला जा रहा है, यानी 6000 ईसा पुरुष से पाला जा रहा है। सर्वप्रथम जानवरों को मांस उत्पादन के लिए पाला गया। आपने देखा होगा कि पुरानी जब अपन 7वीं 8वीं की जो किताबें आती थी सामाजिक विज्ञान में, जिसमें आदि मानव दिखाए जाते थे जो पत्थर से पत्थर को टकरा के आग पैदा करते थे और जानवरों को जलाकर खाया करते थे, तो ये उस समय की बात है। तो जानवरों को कब से पाला जा रहा है, 6000 ईसा पूर्व से पाला जा रहा है। सबसे पहले किसके लिए पाला गया, मांस उत्पादन के लिए पाला गया, गाय का दूध दही घी गौमूत्र और गोबर, 5 प्रकार की चीजें हैं, गाय का दूध है दही है घी है गौमूत्र और गोबर है, इन 5 को मिलाकर जो अवयव बनता है वो जो पदार्थ बनता है आप उसे कोई भी चीज बोल सकते हो, वो पंचगव्य कहलाता है। जो आपने देखा होगा कई प्रकार के हवन में इनमें भी काम आता है, तो आपसे पूछा जाता है कि पंचगव्य में शामिल है, तो गाय का दूध शामिल है दही घी गौमूत्र और गोबर। और कई बार एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि पंचगव्य जो बनाया जाता है उसमें किस पशु के अवयव या तत्व काम में लिए जाते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा गाय। तो इसके अंदर आपको देखना है गाय का दूध दही घी गौमूत्र और गोबर से मिलकर जो निर्माण किया जाता है वो पंचगव्य कहलाता है। उसके बाद आप देखिए राजस्थान में अपन बात करते हैं तो भारत में सबसे ज्यादा जो पशु पाया जाता है वो गाय पाई जाती है, जबकि राजस्थान में अगर अपन बात करते हैं तो बकरी पाई जाती है। पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो पशु संपदा पाई जाती है वो उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। राजस्थान का पूरे भारत में पशु संपदा में दूसरा स्थान है, याद रखना है आपको। राजस्थान दूध उत्पादन में वर्तमान में पहले नंबर पे, नॉर्मल अगर अपन बात करते हैं तो बकरियों में सबसे नंबर पर राजस्थान, सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन में भारत में पहले नंबर पे है। अगर आपसे बात करते हैं पशु संपदा में तो पशु संपदा जो सबसे ज्यादा है वो उत्तर प्रदेश राज्य में और दूसरे नंबर पर राजस्थान है। तो देखो राजस्थान में भारत की कुल पशु संपदा का 10.58% है, कितने प्रतिशत है, 10.58% है। याद रखना जब आप पढ़ते हो कि पूरे भारत में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है तो 10.61% पढ़ते हैं अपन पढ़ते हैं, लेकिन अगर यहां पढ़ रहे हैं तो पूरे भारत में राजस्थान की जो पशु संपदा है वो 10.58% है। उसके बाद भारत में सर्वाधिक पशुधन उत्तर प्रदेश में तथा दूसरा कहाँ है, राजस्थान में। अगर आपसे पूछा जाए, मैंने अभी आपको बताया कि भारत में सबसे ज्यादा पशुधन कहाँ है तो उत्तर प्रदेश राज्य में, और राजस्थान का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। उसके बाद आगे देखिए राजस्थान का जो पशु घनत्व है, राजस्थान में जो पशु घनत्व है वो प्रति किलोमीटर कितना है, तो राजस्थान में जो पशु का प्रति घनत्व जो है वो 166 वर्ग किलोमीटर है। देखो 166 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ये राजस्थान का पशु घनत्व है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व पाए जाते हैं डूंगरपुर में। कहाँ पाए जाते हैं, डूंगरपुर में सबसे ज्यादा पशु घनत्व है, 434 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर जो सर्वाधिक है। और सबसे जो न्यूनतम है वो जैसलमेर में 62 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का प्रति पशु मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर पशुओं का जो पशु घनत्व कितना है, तो वह है 166 जो नॉर्मली पूरे राजस्थान का है, सर्वाधिक पूछे तो डूंगरपुर में 434। ये मैं आंकड़े जो आपको बता रहा हूँ ये 20वीं पशु गणना के हिसाब से बता रहा हूँ जो 2019 में संपूर्ण हुई थी। भारत में सबसे पहले जो पशु गणना हुई थी वो 1919-20 में हुई थी, आजादी के बाद हुई थी वो 1951 में हुई थी, और 19वीं जो पशु गणना हुई थी वो 2012 में हुई थी, और 20वीं जो पशु गणना जो भारत की सबसे पहली डिजिटल पशु गणना थी वो 20वीं पशु गणना थी जो कि 2019 में संपन्न हुई थी। तो याद रखना है आपको ये जो आंकड़े सब मैं आपको बता रहा हूँ जो नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले में कि सर्वाधिक राजस्थान का वर्ग कितना है तो 166 वाला है, फिर उससे आपसे पूछे कि डूंगरपुर में सबसे ज्यादा कहाँ है, डूंगरपुर में 434 है, न्यूनतम कहाँ है तो जैसलमेर में 62। उसके बाद आप देखो
प्रति व्यक्ति पशु घनत्व 0.82 है। अगर प्रति पशु अगर आप देखो, प्रति व्यक्ति अगर पशु देखे तो वह कितना है, 0.82 है। यह भी आपको याद रखना है। 1000 व्यक्तियों पर पशुओं की संख्या कितनी है, 829। 1000 नॉर्मली अगर अपन बात करें, जैसे आप उधर राजस्थान जीके में अपन पढ़ते हैं, जैसे साक्षरता पढ़ते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी ये 1000 व्यक्तियों पर पशुओं की संख्या कितनी है, तो 1000 व्यक्तियों पर पशुओं की संख्या कितनी है, 829 है। उसके बाद आप देखो राजस्थान में सर्वाधिक पशु कहाँ पाए जाते हैं, बाड़मेर में। बाड़मेर में सबसे ज्यादा बकरियां पाई जाती है, भेड़े सबसे ज्यादा पाई जाती है, और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो पशु पाया जाता है वो बकरियां पाई जाती है, और भारत में गायें पाई जाती है। तो अपन बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु कौन से जिले में पाए जाते हैं, तो राजस्थान में जो सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं वो बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं। राजस्थान में पशुधन व जनसंख्या का जो अनुपात है, नॉर्मली वो आपसे कह रहा है कि पशुधन और जो जनसंख्या का जो अनुपात है वो कितना है, 1:0.82 है। कितना है, 1:0.82 है। ये राजस्थान में पशुधन व जनसंख्या का अनुपात है, 1:0.82 है। उसके बाद आगे देखिए पशुओं की उपयोगिता। कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि साहब गाय को किसके लिए पाल सकते हैं, भैंस को किस किस के लिए पाल सकते हैं, भेड़ को किस किस के लिए पाल सकते हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं तो पशुओं की जो उपयोगिता में बात करते हैं, तो सबसे पहले गाय। तो गाय को आप दूध उत्पादन के लिए पाल सकते हो और बोझा ढोने के लिए पाल सकते हो। गाय का आप मांस और चमड़े के लिए बिल्कुल नहीं पालते हो, तो देखो दूध उत्पादन वो बोझा ढोने के लिए उसको पाला गया। दूसरी बात आती है भैंस। तो भैंस को आप दूध उत्पादन के लिए भी पाल सकते हो और चमड़ा उत्पादन के लिए भी पाला जाता है। भेड़ में आ जाओ, भेड़ में ऊन के लिए पालते हो और मांस के लिए पालते हो। कभी भी भेड़ों को दूध उत्पादन के लिए नहीं पाला जाता है। नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं तो सोनाड़ी भेड़, सोनाड़ी भेड़ का आपने नाम सुना होगा, जो उदयपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। ये राजस्थान में अच्छा दूध उत्पादन करने के लिए भेड़ की नस्ल जानी जाती है। इसमें क्या होता है कि इस नस्ल के जो कान होते हैं वो चरते समय जमीन को छूते हैं, और ये भेड़ की त्रिकाजी नस्ल है, यानी वो दूध उत्पादन भी करती है, ऊन उत्पादन भी करती है और मांस उत्पादन भी करती है। ये तीनों के तीनों काम करती है। लेकिन नॉर्मल अगर अपन भेड़ों की बात करते हैं तो भेड़ों को सिर्फ दो ही कामों के लिए पाला जाता है, एक तो पाला जाता है उसको ऊन के लिए और एक पाला जाता है मांस के लिए। उसके बाद आ जाइए बकरी। बकरी को पाला जाता है दूध और मांस के लिए पाला जाता है, कभी भी इसको बोझा ढोने के लिए और किसी काम के लिए पाला नहीं जाता है। बकरियों से अपन को ऊन प्राप्त नहीं होती है, सिर्फ एक बकरी होती है अंगोरा बकरी, जो भेड़ की तरह दिखती है। अंगोरा बकरी आपने नाम सुना होगा, जिसका उत्पत्ति स्थान तुर्की है। ये भेड़ की तरह पाली जाती है और ये ऊन उत्पादन के लिए भी जानी जाती है। ऊंट, ऊंट बोझा ढोने के लिए अपन इनका प्रयोग करते हैं। मुर्गी को मांस व अंडा उत्पादन के लिए आप प्रयोग कर सकते हो। मनोरंजन के लिए कुछ मुर्गी की नस्लें जिनका प्रयोग करते हो, लेकिन अगर कॉमन अगर अपन बात करते हैं तो मुर्गी का प्रयोग मांस व अंडा उत्पादन के लिए ही किया जाता है। उसके बाद आगे देखिए, देखो पशुपालन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं आंकड़ों के हिसाब से, तो सबसे पहला चलते हैं भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश। देखो भारत विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश है, ये चीज आपको याद रखनी है। आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। वर्तमान में राजस्थान आ चुका है, पहले उत्तर प्रदेश था लेकिन अब राजस्थान आ चुका है। वर्तमान भारत का दूध उत्पादन 221.1 मिलियन टन है। किसके हिसाब से, 2021 और 22 के हिसाब से आपसे पूछा जाए। वर्तमान भारत का दूध उत्पादन 221.1 मिलियन टन, जो आंकड़े आए 2021-22 के आए। 2022 और 23 में अगर अपन बात करते हैं, जो अभी चल रहा है, उसमें 230.50 मिलियन टन, 58 मिलियन टन पहुंच चुका है। याद रखना, अगर आपसे 21-22 में पूछे तो 221 था, लेकिन जैसे ही 2022-23 में आए तो दूध उत्पादन बढ़ के कितना हो गया, 230 हो चुका है। भारत के दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान भैंस का है। याद रखना, भारत में जितना भी दूध उत्पादन हो रहा है उनमें सबसे ज्यादा अगर योगदान किसी पशु का है तो वो भैंस का है। भैंस के भारत के कुल दूध उत्पादन में 54-55% योगदान है। याद रखना, भारत में विश्व की लगभग 57% भैंसें पाई जाती है। ये आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ 12th NCERT के हिसाब से, 11th NCERT के हिसाब से बता रहा हूँ। और गायें पाई जाती है 12.5%। लेकिन अगर अपन बात करते हैं कि ओवरऑल भारत के दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो भैंस का है। भारत के दूध उत्पादन में भैंस का लगभग 54-55% योगदान है। उसके बाद आगे देखिए, देश में प्रथम पशुगणना जो हुई थी वो 1919 से लेकर 1920 में हुई थी, ये मैंने आपको अभी बताया। और स्वतंत्रता के बाद, यानी 1947 के बाद, जो 1947 के बाद जो पशुगणना हुई वो 1951 में हुई प्रथम बार। देखो पशुगणना प्रत्येक 5 वर्ष में कराई गई, स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम बार जो पशुगणना हुई वो 1951 ईस्वी में हुई। अगला,
बीसवीं जो पशु पहली जो बीसवीं वाली जो पशु गणना थी वो पहली डिजिटल पशु गणना थी। पहले आंकड़े लिखे जाते थे लेकिन इस बार ऑनलाइन आंकड़े आए थे, डिजिटल पशु गणना हुई थी। बीसवीं पशु गणना मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग ने अक्टूबर 2019 को अंतिम परिणाम जारी किया। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से माह में अंतिम परिणाम जारी हुआ था आंकड़े का, तो वह हुआ था अक्टूबर 2019 में हुआ था। यह राजस्थान की 20वीं पशु गणना थी। 19वीं पशु गणना 2012 की थी और जो वर्तमान में अभी जो संपन्न हुई वो 20वीं पशु गणना थी, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आगे देखिए, भारत में विश्व के 57% बेचे 12.5% गायें पाई जाती है। ये देखो अभी ये एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूं मैं, 11th एनसीईआरटी में, और ये पेपर में पशुधन परिचर जो पशुपालन में उसका पशुधन सहायक का जो पेपर हुआ था उसके अंदर आया था। लेकिन अगर माना ऑप्शन में 60 और 55 हो तो फिर 55 वाले को टिक किया जाता है, ये याद रखना, क्योंकि अपन ज्यादा भी नहीं जा सकते, थोड़ा सा 55-56 तो हो सकता है लेकिन 60 नहीं हो सकता है, तो इसलिए 55 वाला आंसर सही माना गया था। भारत में सर्वाधिक पशु गाय, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक पशु बकरियां पाई जाती है। गायें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में पाई जाती है जबकि बकरियां राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाती है। बीसवीं पशु गणना के अनुसार भारत में कुल 535.78 मिलियन या फिर अगर करोड़ में बात करते तो 53,57,00,000 पशु थे, ये की कौन सी पशु गणना के अनुसार, 20वीं पशु गणना के अनुसार थे। उसके बाद आगे देखिए, भारत में विश्व की 5.88% भेड़े पाई जाती है। भारत ने विश्व की, देखो अभी अपन ने गायों की बात करी 12.5%, भैंसों की बात करी 57%, वैसे अपन बात कर रहे हैं कि भारत ने विश्व की 5.88% भेड़े पाई जाती है, विश्व की 13.19% बकरियां पाई जाती है और मुर्गी पालन है वो 2.43% है। देखो एग्जाम में ये पांचों चीजें आ सकती है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत ने विश्व की कितनी भैंसे पाई जाती है, तो 57%। भारत ने विश्व की कितनी गायें, 12.5%। कितनी बकरियां पाई गई, तो बकरियां पाई गई 13.19%। भेड़े कितनी पाई गई, तो 5.88%। और आपसे पूछा जाए कि मुर्गी पालन पूरे भारत में विश्व का कितने परसेंट मुर्गियां हैं, तो वह आपको पता होना चाहिए, 2.43% आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, राजस्थान में 19वीं पशु गणना के अनुसार 5,77,00,000 पशु थे। 19वीं पशु गणना में कितने थे, 5,77,00,000, लेकिन 20वीं पशु गणना में 5,68,00,000 रह गए, 5,68,00,000 रह गए। 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में 1.61% की कमी आई है, यह भी आपको याद होना चाहिए, एग्जाम पूछ सकता है, प्रतिशत की मात्रा भी आपसे पूछ सकता है, और यह भी पूछ सकता है कि 19वीं पशु गणना से 20वीं पशु गणना में पशुओं की वृद्धि हुई है या कमी हुई है। 19वीं पशु गणना में 5,77,00,000 थे और यहां पहुंच चुका है 5,68,00,000, यानी कि 1.61% की कमी हो गई। 19वीं पशु गणना 2012 में हुई जबकि 20वीं पशु गणना 2019 में हुई। भारत ने विश्व की सर्वाधिक पशुधन आबादी वाला देश है। भारत में देखो सबसे ज्यादा भारत में उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान था, लेकिन अगर विश्व में बात करते हैं तो विश्व में सर्वाधिक पशुधन वाला कोई देश है तो वो भारत है। राजस्थान का भारत के कुल दूध उत्पादन में 15.5% योगदान है। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान पहले नंबर पे तो आ चुका है, उसका भारत के दूध उत्पादन में कितना परसेंट हिस्सेदारी है, तो वो 15.5% है। भारत में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। राजस्थान पूरे भारत की 45.91% ऊन उत्पादन करता है। पहले आप देखोगे पुराने जो आंकड़े थे जो अपन 2000 नॉर्मली 19वीं पशु गणना में पढ़ते थे या 2-5 साल पहले पढ़ते थे तो 30-40% योगदान पढ़ते थे, लेकिन अब वो योगदान वर्तमान में पहुंच चुका है 45.5%, यानी कि भारत का राजस्थान का भारत की कुल ऊन उत्पादन में लगभग 45% योगदान हो चुका है। और आज राजस्थान पहले भी नंबर वन पे था और अब भी नंबर वन पे है और ऊन उत्पादन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कारण ये है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा भेड़े भी हैं बकरियां भी हैं, तो बकरियों का तो ऊन उत्पादन में योगदान नहीं है लेकिन राजस्थान में भेड़े जो है वो सबसे ज्यादा पाली जा रही है बाड़मेर में, तो ये ऊन उत्पादन में सबसे अच्छा योगदान कर रही है। भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 444 ग्राम है 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार। पहले आप देखोगे इससे जस्ट पहले अपन चलते हैं तो लगभग 394 ग्राम अपन पढ़ते थे, 394 ग्राम या 402 ग्राम पढ़ते थे, लेकिन अब जो 21-22 के आंकड़े आए उसमें अपन 444 ग्राम पहुंच चुके हैं।
विश्व में प्रति दूध उत्पादन, प्रति व्यक्ति का जो दुग्ध उत्पादन है वो 394 ग्राम, यानी जो प्रति व्यक्ति को जो दूध मिल रहा है वो 394 ग्राम पहुंच चुका है। भारत में सबसे ज्यादा जो प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता है वो पंजाब हरियाणा की है, और पंजाब हरियाणा में अगर नॉर्मली अपन बात करते हैं तो राजस्थान में दुग्ध उपलब्धता 2019-20 में 904 ग्राम थी, जबकि पंजाब के अंदर ये पहुंच चुकी है 1221 ग्राम। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा भारत के अंदर प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता किसकी है, तो सबसे पहले पंजाब आएगा, फिर हरियाणा आएगा, और अगर राजस्थान की पूछते तो लगभग 904 ग्राम हो चुके। पहले अपन जब पढ़ते थे वो 894 ग्राम या 897 ग्राम के आसपास, और वो बढ़ के अब 904 ग्राम हो चुकी है। भारत में सर्वाधिक पशुधन उत्तर प्रदेश राज्य में, राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से दूसरा स्थान है। राजस्थान में भारत के कुल पशुधन का 10.58% पाया गया, जो मैंने पहले भी बता दिया आपको और एक बार फिर बता रहा हूँ, तीनों इंपोर्टेंट प्रश्न है इसके अंदर, मैंने वो सभी प्रश्न इंपोर्टेंट जोड़े गए जो पुराने एग्जामों में आए हुए भी थे, जो अपन इंपोर्टेंट है नॉर्मल किसी भी एग्जाम, जैसे सीईटी का एग्जाम हुआ था उसमें आया था, IBPS में भी एक दो आंकड़ों के प्रश्न पूछे गए थे, जो जिन जिन एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे WO में पूछा गया हो, चाहे कृषि परिषद में पूछा गया हो, चाहे JET में पूछा गया हो, वो सारे प्रश्नों को मैंने इसके अंदर जोड़ा है। भारत में सर्वाधिक गायें पश्चिम बंगाल में, जबकि राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, बीकानेर में। भैंस सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में पाई जाती है भारत में, राजस्थान में ये जयपुर जिले में, जबकि मुर्रा नस्ल की जो भैंसें होती है वो अलवर जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, दो प्रश्न हमेशा याद रखना, राजस्थान में मुर्रा भैंसें सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, अलवर जिले में, और राजस्थान का वो कौन सा जिला है जहाँ सूरती भैंस पालने की सिफारिश की गई थी, तो अजमेर जिला। ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये वाला हो गया, बकरी सर्वाधिक राजस्थान में होगी, जबकि राजस्थान में सबसे ज्यादा बाड़मेर, भेड़े तेलंगाना में हो गई, राजस्थान में सबसे ज्यादा बाड़मेर में हो गई, मुर्गी सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में अजमेर जिले में, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक देसी मुर्गियां पाली जाती है। नॉर्मल अगर सबसे ज्यादा मुर्गियों की अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे ज्यादा वो पाई जाती है अजमेर जिले में, लेकिन अगर अपन राजस्थान में देसी मुर्गियों की अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थान में देसी मुर्गियां जो पाई जाती है वो सबसे ज्यादा पाली जाती है बांसवाड़ा जिले में। ऊंट राजस्थान में सबसे ज्यादा, राजस्थान में पूरे भारत में, जैसलमेर राजस्थान में भारत के लगभग 85% ऊँट पाए जाते हैं। देखो सबसे ज़्यादा राजस्थान में कहाँ, जैसलमेर में पाए जाते हैं ऊँट, और राजस्थान में पूरे भारत के लगभग 85% ऊँट पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत, 85%, यानी 85%। अगला, पशुओं की संख्या राजस्थान में लाखों में बतानी है आपको, कितने लाख हुई है वो अपन बात कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले गाय है पूरे, ये नॉर्मली बात कर रहे हैं अपन कि यहाँ से जो जो प्रश्न एग्जाम में आते हैं किन किन के आंकड़े आपसे पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले अपन गाय की, तो 139.24 लाख तो होगी गाय की संख्या, 136.93 हो गई किसकी, भैंस की संख्या हो गई, भेड़ की 79 होगी, 04 हो गई, यानी 79% जो थी अपनी। नॉर्मली अपन ये बात करें लाखों के हिसाब से, ठीक है ना, लाखों के हिसाब से बात करें, अभी जैसे इस पे करोड़ बात करते तो 1,39,00,000 हो जाता, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं तो डायरेक्ट पीछे वाली संख्या को आप ज्यादा ध्यान भी नहीं रखो, लेकिन आगे वाली संख्या को आपको पूरा ध्यान रखना है। बेड़े की बात कर ली अपन ने, बकरी तो बकरी 208.40 लाख हो जाएगी टोटल, मुर्गियों में 146.23 हो गया, ऊंट में 2.13 हो गया, यानी ऊंटों में देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब अपन 19वीं पशुगणना में बात कर रहे थे तो ऊंटों की जो संख्या थी वो ज्यादा थी, और अब धीरे धीरे ऊंट क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो आगे आएगा कि किसमें कितनी वृद्धि हुई, किसमें कमी हुई, वो अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये संख्या आपको याद रखनी है। बकरियों की संख्या पूछी जा सकती है कि कितनी होती है, तो 2 करोड़ के ऊपर है, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद अपन ने वो आपसे पूछ रहा है कि भारत में पशुओं के अंदर राजस्थान का स्थान कौन सा है, जैसे मान लो राजस्थान में गायें, तो गायों का भारत के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो देखो गाय में राजस्थान का छठा स्थान है, भैंस का दूसरा स्थान है, भेड़ का चौथा स्थान है, बकरी का पूछे तो पहला स्थान है, और नॉर्मली मुर्गी का पूछे तो 18वां स्थान है, और ऊंट का पूछे तो प्रथम स्थान है। ये मैं आपको बता रहा हूं भारत के अंदर राजस्थान का पशु में कौन सा स्थान है, यानी राजस्थान के पास गाय है, तो पूरे भारत में गाय का राजस्थान में स्थान कौन सा है, तो वहां अपन ने बात करी उसका छठा स्थान है, भैंस का दूसरा स्थान है, भेड़ का चौथा स्थान है, बकरी का पहला स्थान है, मुर्गी का 18वां स्थान है, और ऊंट का पहला स्थान है, तो ये स्थान भी आपको याद रखने हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं कि 2019 की पशुगणना और 20वीं पशुगणना में दोनों में अंतर क्या रहा, वृद्धि हुई या कमी हुई, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले आई गाय, तो गाय में 4.60% उसके अंदर वृद्धि हुई, भैंस में भी वृद्धि हुई, भेड़ के अंदर कमी आई,
12.95 यानी 12.95% की कमी आई है, यानी कि लगभग 13% की क्या हुई है कमी। बकरी में देखो कमी आई है, मुर्गी में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि 19वीं पशुगणना के अनुसार 20वीं पशुगणना के अगर दोनों की तुलना करी जाती है तो मुर्गियों में वृद्धि हुई है या कमी, तो सबसे पहला तो वृद्धि, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि वृद्धि कितने प्रतिशत हुई है, या अगला प्रश्न फिर आ सकता है कि 19वीं पशुगणना की तुलना में 20वीं पशुगणना में किस पशु में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो वह आ जाएगा मुर्गियां। ऊंट में आ जाओ, ऊंट में 34.69% की कमी आई है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कमी किस में आई है तो इसके अंदर सबसे ज्यादा कमी आई है, और अगर ओवरऑल अपन बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो कमी देखी गई थी वो गधों में देखी गई थी। ये देखो 19वीं पशुगणना की तुलना में 20वीं पशुगणना में सर्वाधिक वृद्धि मुर्गी में हुई इतने प्रतिशत, सर्वाधिक कमी गधों में हुई 71.23% हुई। ये चीज आपको याद रखनी है, सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई, सर्वाधिक कमी किसमें हुई। उसके बाद भारत में सर्वाधिक जो अंडा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। भारत में जो सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश राज्य भारत के अंदर अंडा उत्पादन में 20.13% अंडा उत्पादित करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे भारत का आंध्र प्रदेश राज्य कितना अंडा उत्पादन करता है तो 20.13% करता है। 21 और 22 के अनुसार भारत का अंडा उत्पादन 129.60 बिलियन था। अगर आपसे पूछा जाता है कि नॉर्मल 21-22 के जो आंकड़े आए थे उसके अनुसार भारत का अंडा उत्पादन कितना था तो 129.60% था। भारत में मांस उत्पादन 2021-22 के अनुसार 9.29 मीट्रिक टन। ऊन उत्पादन की बात करते हैं 21-22 के अंदर तो 13.13 मिलियन ग्राम। नॉर्मल अगर अपन से बात करते हैं कि अंडा उत्पादन कितना था तो ये सारा अपन को याद रखना है, मिलियन ग्राम के अंदर हो जाएगा। भारत में प्रति व्यक्ति 95 अंडे प्रतिवर्ष, जबकि ICMR के अनुसार आवश्यकता होती है 182 अंडे प्रतिवर्ष। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि एक आदमी को एक वर्ष में कितने अंडों की आवश्यकता होती है, ICMR इंडियन काउंसलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च नई दिल्ली के अनुसार, नॉर्मल आपने देखा होगा 450 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, 280 ग्राम आपको दूध चाहिए, 300 ग्राम आपको सब्जियां चाहिए, तो उसी के अनुसार अपन बात करते हैं तो भारत में प्रति व्यक्ति 95 अंडे मिल रहे हैं, लेकिन मिलने कितने चाहिए थे, 182 अंडे चाहिए। मांस उत्पादन 6.82 किग्रा प्रति व्यक्ति को मिल रहा है, लेकिन ICMR के अनुसार 11 किलो चाहिए। कितना किलो चाहिए, 11 किलो, यानी मांस उत्पादन कम मिल रहा है, ICMR के अनुसार ज्यादा मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना है। सर्वाधिक मांस उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मांस उत्पादन होता है और मांस खाया भी जाता है नॉर्मल। सर्वाधिक बकरी का मांस उत्पादन वाला राज्य पश्चिम बंगाल, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के अंदर बकरियों का मांस उत्पादन होता है। बकरियों की एक नस्ल है जो मांस उत्पादन के लिए फेमस है, ब्लैक बंगाल, जो आपने नाम सुना होगा, जिसका उत्पत्ति स्थान पश्चिम बंगाल। भारत की GDP में पशुपालन का योगदान 6.2% है। भारत की GDP में पशुपालन का योगदान कितना प्रतिशत है, 6.2% है। कृषि में पशुपालन का योगदान देखो, एक तो पूरे भारत की GDP में पशुपालन का योगदान 6.82% पड़ा अपन ने, एक वो आपसे पूछ रहा है कि कृषि में यानी नॉर्मल एग्रीकल्चर के अंदर पशुपालन का कितने परसेंट योगदान है, तो वो 31% योगदान है। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन जयपुर में हो रहा है, वो गंगानगर में होता है, न्यूनतम बांसवाड़ा में होता है। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन कहाँ होता है, जयपुर में होता है, जयपुर, उसके जस्ट बाद गंगानगर में होता है, और सबसे न्यूनतम अगर अपन बात करते तो बांसवाड़ा जिले में होता है। उसके बाद राजस्थान का प्रथम पशु चिकित्सालय जोहरी बाजार जयपुर में, राजस्थान का जो प्रथम पशु चिकित्सा खोला गया था वो कहाँ खोला गया, जोहरी बाजार जयपुर में खोला गया था। पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय राजुवास बीकानेर में, जिसकी स्थापना 2010 में हुई। राजस्थान का एकमात्र पशुपालन विज्ञान महा जो विश्वविद्यालय वो बीकानेर के अंदर है, राजुवास, 2010 में उसकी स्थापना हुई। राजस्थान का एकमात्र दुग्ध महाविद्यालय उदयपुर में है, जो अगर जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल आप एग्रीकल्चर पढ़ी होगी तो आपको पता होगा राजस्थान का एकमात्र जो हॉर्टिकल्चर था, जो उद्यान विज्ञान था, वो झालरापाटन झालावाड़ में जो स्थित था वो था। तो ऐसे नॉर्मली राजस्थान का एकमात्र दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय वो उदयपुर के अंदर है। राजस्थान में डेयरी फूड साइंस का जो एग्रीकल्चर कॉलेज है फूड साइंस वाला, वो भी उदयपुर के अंदर है।
राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF की स्थापना 1977 में हुई। ये एग्जाम में अभी आया भी था, एक एग्री यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, शायद जोधपुर में या कोटा यूनिवर्सिटी में एक प्रश्न आया था, उन्होंने उनका आंसर 1973 माना था, लेकिन वो आंसर बिल्कुल गलत था, क्योंकि उसका जो आंसर होगा वो 1977 ही होगा, क्योंकि फाइनल ये लिखा हुआ है, जहां RCDF लिखा हुआ है वहां भी ये लिखा हुआ है, और आपके नेट पे सर्च करके देखो, पुरानी NCERT की बुकों में देखोगे वो भी वहां भी यही है। राजस्थान स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन RCDDC की स्थापना जयपुर में 1975 में हुई। ये प्रश्न एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2019 में पूछा गया था कि राजस्थान स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी 1975 में, कहां हुई थी, जयपुर में। भारत में दुग्ध सहकारिता का जो सबसे बड़ा उदाहरण है, भारत में दुग्ध सहकारिता का जो सबसे फेमस जो उदाहरण है वो आनंद गुजरात वाला है, NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद गुजरात, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो है आनंद गुजरात ने, उसकी स्थापना 1965 में की गई। ये दुग्ध सहकारिता का सबसे फेमस उदाहरण है NDDB की। आगे स्थापना भारतीय डेयरी निगम की स्थापना 13 जनवरी 1970 की हुई, इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन के नाम से इसे जाना जाता है, IDC 13 जनवरी 1970 में हुई। राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना 1957 में हुई। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई, तो 1957 में हुई जयपुर में। पद्मा डेयरी अजमेर जिले में, यह राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है, तो वो पद्मा डेयरी है, जो कहां है, अजमेर में। उसके बाद ये अपना जो पहली क्लास थी, इसमें अपन ने राजस्थान में पशुओं के आंकड़े पढ़े, कुछ इंपोर्टेंट अपन ने डाटा भी पढ़े। अब इसकी एक आंकड़ों की एक क्लास और होगी, उस क्लास में अपन महत्वपूर्ण संस्थान पढ़ेंगे पशुपालन के, और नॉर्मली नस्ल सुधार